तो फ्रेंड्स, बात स्टार कास्ट की नहीं होती, शाहरुख खान की नहीं है, बात होती है स्टोरी। किसी मूवी की स्टोरी पटकथा जितनी दमदार होती है, मूवी उतना अच्छा काम करती है। दोस्तों, हालांकि फिल्मिंग शूटिंग में थोड़ी बहुत कमी सब मूवियों में होती है, इसमें भी हैं, आपने काफ़ी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन यहाँ अभी हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी में कितना दम है। तो दोस्तों, स्टोरी में इस मूवी की बहुत दम है, जो कि हमारे समाज, हमारे देश में जो बहुत ही क्रिटिकल, जो कि नाजुक जो मुद्दे हैं, जैसे कि किसानों के हालात, करप्ट पॉलिटिशियंस, नौकरी की व्यवस्था हमारे देश में बहुत बुरी। और दोस्तों, जाने अनजाने में इस मूवी के लेखक ने इस मूवी में एक सीन ऐसा भी दर्शाया है जिसमें हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, CISF, जो कि आपने एयरपोर्ट पे देखी होगी, जो सिक्योरिटी जांच करती है, मेट्रो में आपने देखी होगी, उस पर भी एक सीन फिल्माया गया है, जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपको एक क्लिप के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इस वजह से मुंबई में जो CISF पोस्टिंग है, उनके लिए इस मूवी की स्क्रीनिंग फ्री करवा दी गई है। तो दोस्तों, क्लिप आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक CISF सिक्योरिटी जवान सिक्योरिटी जांच के दौरान आशंका व्यक्त करता है, जब वो लड़की का गिटार चेक कर रहा होता है, कहीं उसमें हथियार जैसा कुछ दिखता है, लेकिन एक दूसरी लड़की जो कि मेट्रो के अंदर बैठी है, वहाँ से IT नॉलेज की, IT स्किल्स के माध्यम से उसको मैनिपुलेट कर देती है, और वहाँ गिटार ही दिखने लगता है, उसके अंदर की चीज़ नहीं दिखती, तो वो उसको, लड़की को जाने देता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मूवी में आगे आपने देखा होगा कि कैसे जो करप्ट पॉलिटिशियन है, उन पर भी दृश्य फिल्माए गए हैं, जो कि कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जिन जिन लोगों ने फिल्म देख ली है, उनको स्टोरी का अच्छे से पता है, लेकिन जिस किसी ने नहीं देखी है, उन लोगों को मैं बता दूं कि इस मूवी में जो हमारे देश के जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी सीन दर्शाए गए हैं, और बताया गया है वो किस तरीके से सिस्टम में गेम खेल रहे हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार किसान जो है, किसान को भी वो लोग परेशान कर रहे हैं। और दोस्तों, इस फिल्म में किसानों के लिए भी काफ़ी दृश्य फिल्माए गए हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सीन है, जिसमें एक किसान कर्ज के बोझ में दब के आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। दोस्तों, वो छोटी सी क्लिप भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ, जिस किसी मेरे भाई ने नहीं देखी वो कृपया ज़रूर देख लें, और जिसने देखी वो भी एक बार रिविज़न करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, हमारा एक किसान भाई इसी तरीके से पता नहीं कितने किसानों ने आत्महत्या की है। दोस्तों, आज के समय में बात करें तो किसानों की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया है, और आशा करता हूँ आगे किसानों की व्यवस्था में और सुधार आए, और हमारा देश और तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।